सुविधा दी गई है, वहां पर रेप जो है वो लगाए गए हैं, जहां पर जिन लोगों को परेशानी आती है, जो दिव्यांग लोग हैं, वो आराम से व्हीलचेयर के सहारे ऑफिस जा सकते हैं और ऑफिस से जो है वो वापस भी आ सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है वो दिव्यांग लोगों के लिए दी गई है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि काम में तेजी लाई जाएगी, क्योंकि प्रत्येक दिन में 13 काउंटर है, तो प्रत्येक दिन में जो है वो 600 फाइलों का जो है वो निपटारा किया जाएगा। और ये जो नए पासपोर्ट यानी कि जो बनाए जाएंगे, अब वो नरवाल में ही बनाए जाएंगे। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर मैं एक और सवाल जानना चाहूंगी शिल्पा, कि जिस तरीके से 2 ऑफिसेज अब बन गए हैं, एक नरवाल में है और जो दूसरा ऑफिस है वो गांधीनगर में है, तो किस तरीके से लोगों को बाइफिकेट किया जाएगा? क्या दोनों ऑफिसेज ऑपरेशन में रहेंगे या फिर नरवाल ऑफिस जो होगा वो हेड ब्रांच रहेगी और दूसरा जो होगा वो उसका सब्स्टिट्यूट रहेगा? शिल्पा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब 2 ऑफिसेज जो है वो पासपोर्ट के बन गए हैं, तो किस तरीके से काम दोनों ऑफिसेज में होगा? क्या हेड ब्रांच जो है वो नरवाल को बनाया जाएगा और वो सब्सिडियरी ब्रांच रहेगी, या फिर दोनों ऑफिसेज में जाकर लोग अपने पासपोर्ट्स बना सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से बात करें हेड ऑफिस की, तो वो पूरी तरीके से नरवाल होगा, यानी कि जो नए पासपोर्ट बनाए जाएंगे वो अब नरवाल में पासपोर्ट बनाए जाएंगे। जो पेंडिंग काम होंगे, यानी कि जो काफी लंबे समय से काम लंबित चले आ रही है, पेंडिंग है, उनका अभी तक जो है वो निपटारा नहीं हुआ है, तो वो काम जो है वो गांधीनगर पासपोर्ट ऑफिस में वहां पर होगा। लेकिन जो नए पासपोर्ट होंगे, जिस तरीके से आवेदन करना है किसी को भी, तो वो अब नरवाल में ही पूरा कार्य जो है वो किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे शिल्पा शर्मा, और वहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो नरवाल पासपोर्ट ऑफिस है, इसकी शुरुआत 26 फरवरी से होने वाली है, जिसके बाद से लोगों को पासपोर्ट बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी और जो लोग जिनके पासपोर्ट्स पेंडिंग पड़े हैं उसका निपटारा भी जल्द से जल्द होगा और एक दिन में 600 फाइलें जो हैं उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज 4 दिनों के बाद आंशिक रूप से यातायात बहाल हुआ है। हल्के वाहनों को 2 तरफा आवाजाही की इजाजत दी गई है, बल्कि वहीं पर दूसरी तरफ भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों से रामबन जिले के अधीन आने वाले कुछ इलाकों में हाईवे पर हुए भूस्खलन के कारण यातायात बंद रहा था और हजारों मालवाहक व यात्री वाहन जम्मू व अन्य इलाकों में रोक दिए गए थे। वहीं पर हाईवे के आज की सूरत हाल और अपडेट क्या कुछ है, इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर रामबन से जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी जो अपडेट सामने आ रही है और जो हैवी मोटर व्हीकल्स है, खासकर बात करें जो पेरिशेबल गुड्स लेकर जाते हैं, यानी कि वो सामान जो कि जल्दी खराब हो जाता है, और जो ट्रक्स इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, क्या उन ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी जा रही है या नहीं, इसको लेकर भी पूरी जानकारी जो थी वो अपडेट ये आ रहा है कि 2 तरफा जो वाहन है उनके लिए आवाजाही खोल दी गई है। हालांकि जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनको भी अभी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनको अभी फेजेस में चलाया जा रहा है। तो अब हमारे साथ नदीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं, नदीम से जानेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि खासकर हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करते हैं तो बहुत से ऐसा सामान है जो खराब हो जाता है और 4 दिन से हाईवे बंद पड़ा है, इस बीच हैवी मोटर व्हीकल्स की मूवमेंट को लेकर अभी तक क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां हमने देखा कि गुजश्ता दिनों जब मौसम खराब हो और उसका सीधा सीधा असर हमें अब की बार हाईवे पर देखने को मिला है। बिल्कुल, लगभग हाईवे बंद रहा, मुसाफिर परेशान रहे, ड्राइवर परेशान रहे। लेकिन आज की डेट में जब हम देखते हैं, क्योंकि कल रात जब हिंगनी रामसू के मकाम पर लैंडस्लाइड को क्लियर किया गया, तो जो भी हाईवे पर स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे उन्हें अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शाम देर गए एक ट्रैफिक प्लान जारी हुआ ट्रैफिक हुकाम की तरफ से, जिसमें बताया गया कि एलएमवीज दोनों अतराफ से चलेंगी, यानी जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू, दोनों ही तरफ एलएमवीज को चलने की इजाजत होगी। और एचएमवीज की जहां बात करें, एचएमवीज का बताया गया कि रोड की सिचुएशन को देखा जाएगा, किस तरह की सिचुएशन है, ताकि एलएमवीज को चलाया जाए। और इस वक्त हम देख रहे हैं जो हाईवे पर, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज है, एलएमवीज दोनों अतराफ से चलती हुई नजर आ रही है, वहीं एचएमवीज की भी हमें कहीं ना कहीं नकल हरकत हाईवे पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच हम वो स्पॉट्स की बात करें जहां पर कल से सड़क बंद थी, चाहे वो हिंगनी का मकाम हो, चाहे वो मारूक का मकाम हो, चाहे मिहाड़ का मकाम हो या फिर ढलवास का मकाम हो, वहाँ पर ट्रैफिक को तायनात रखा गया है, मशीनरी को वहाँ पे तायनात रखा गया है। ट्रैफिक जो है रेगुलेशन के लिए काफी सारे जो है ट्रैफिक पुलिस कॉप्स को इस वक्त डिप्यूट किया गया है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट लोकेशन पे, ताकि दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए। हालांकि स्लो मूवमेंट कुछ जगहों पर है, लेकिन ट्रैफिक रेगुलेशन में ट्रैफिक नेशनल हाईवे इस वक्त जो हाईवे पर हम देख रहे हैं काफी मुतहरिक है और गाड़ियों को स्मूथली चलने में पूरी कोशिश की जा रही है। कंसर्न जो भी एजेंसी है, जो ट्रैफिक हुकाम है, चाहे वो मिहाड़ का मकाम हो, ढलवास का मकाम हो या फिर हीनी का मकाम हो, वहां पर मशीनरी के साथ साथ जो ट्रैफिक कॉप्स है उन्हें भी तैनात किया गया है, जो इस वक्त ट्रैफिक रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नदीम, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या हाईवे अब पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है या फिर कहीं पर अभी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, इस वजह से जो आगे जाकर भी ये जो गाइडलाइंस हैं या जो एडवाइजरी जारी होती है इसे आगे भी मुकम्मल रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी एक तरफ और ट्रैफिक अथॉरिटीज की जहां तक हम बात करें, क्योंकि उनका यही मानना है कि जनाब जो भी सफर करने जा रहा है हाईवे पर वो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का एहतराम करे, उसे देखे, और जो करीबी कंट्रोल यूनिट्स है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट्स है, उनसे राबता कायम करे ताकि वो इस बारे में जानकारी हासिल कर सके कि हाईवे का हाल किस तरह का है। हालांकि कल के दिन की अगर हम बात करें, मौसम एकदम खुशगवार था, खिली धूप थी, लेकिन हाईवे फिर भी बंद था। तो इन चीजों को देखना होगा। और जहां रोड की हम बात करें, कई जगहों पर पस्सियां और पत्थर गिरने की वजह से सड़क जो है सुकड़ गई है, सिंगल क्रॉसिंग्स है, लेकिन वहां पे ट्रैफिक कॉप्स को रखा गया है, जो ट्रैफिक अहलकार है उन्हें तैनात किया गया है, जो ट्रैफिक रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कॉपरेशन उन लोगों की भी जरूरत है जो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो XMVs के ड्राइवर है, LMVs के ड्राइवर है, जो उस पर ध्यान देंगे, ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करेंगे, ट्रैफिक जो कॉप्स है उनके कहने पर अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानी किसी के लिए नहीं होगी, चाहे वो मुसाफिर हो या फिर कोई एम्बुलेंस हो, तो तमाम लोगों को परेशानी नहीं होगी। बस लेन ड्राइविंग करनी है आपको, जो ट्रैफिक अथॉरिटीज की जानिब से ट्रैफिक कॉप्स तैनात किए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानियां होगी नहीं, और स्मूथ जो ट्रैफिक मूवमेंट हमें हाईवे पर देखने को मिल सकती है। जी पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नदीम, और वहीं पर इस खबर पर जिस तरीके से 4 दिनों से हाईवे बंद था और अब 2 तरफा वाहनों को, खासकर लाइटर मोटर व्हीकल्स को जाने की इजाजत दी जा रही है, इसके बारे में नदीम ने हमें जानकारी दी। तो चलिए रुकते हैं एक छोटा, स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम लोगों की पुलिस तक पहुंच और आसान बनाने के लिए अब जम्मू सूबे के हर जिले में पुलिस की अपनी वेबसाइट होगी। वेबसाइट पर जिला पुलिस से जुड़ी हर जानकारी का विवरण होगा और जम्मू, कठुआ और सांबा में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बाद सभी जिलों को इसके तहत कवर किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ तमाम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यहाँ पर जुड़ेंगे, और उससे पहले आपको 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू, कठुआ और सांबा, तीनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये वेबसाइट बनाई जा रही है पहले फेज में, और उसके बाद इसे बाकी जिलों में भी जो पुलिस स्टेशंस हैं वहां पर लाया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिल्पा यहां पर जुड़ चुकी हैं। तो शिल्पा, मैं आपसे पहले सवाल तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब इसे पहले मैनर में शुरू किया जा रहा है, तो इसे कस्टमर फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए वेबसाइट्स में क्या कुछ चीजें होंगी जिससे कि लोगों को सारी जानकारी मिल पाएगी? देखिए, इस समय की बात करें तो जिस तरीके से जिला में जो है वो वेबसाइट नहीं बनाई गई है, यानी कि हर जिला में वेबसाइट जो है वो नहीं बनाई गई है, जिसके चलते आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की वेबसाइट की बात करें तो वो हालांकि है, लेकिन कई पर्यटक जो है जिन्हें परेशानी आती है तो वो अपनी परेशानी जो है वो साझा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उस समय जो है वो पुलिस स्टेशन के थानादारी या फिर प्रभारी का नंबर नहीं होता। तो अब हर जिला पुलिस के वेबसाइट होगी और इस जिला में जितने पुलिस स्टेशन है उन सबकी जानकारी होगी, प्रभारी का नंबर होगा, थानेदार का नंबर होगा, और ये पूरी तरीके से बात करें तो पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू, कठुआ, सांबा में इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अब अपने जिला की वेबसाइट होगी। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की अगर परेशानी आ रही है तो वो इसमें अपने यानी कि थानेदार को नंबर फोन कर सकते हैं। परेशानी आ रही है तो परेशानी से उन्हें जो है वो निजात मिलेगा। जी बिल्कुल शिल्पा, आपसे यहाँ पर एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जो टूरिस्ट आते हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें कभी भी परेशानी आ सकती है, इस बीच अगर इस वेबसाइट को लॉन्च किया जा रहा है तो इसे लोगों तक पहुँचाने के लिए किस तरीके से कार्य किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अवेयर होगी आम जनता या फिर पर्यटक तो कहीं ना कहीं उन तक ये जानकारी पहुंच सकेगी कि अब हर जिला की वेबसाइट, पुलिस की वेबसाइट जो है वो बनाई गई है, तो कोई भी परेशानी है तो वो फोन कर सकते हैं, अपनी शिकायत जो है वो बता सकते हैं, जो अगर शिकायत दर्ज की गई है उसका विवरण हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो अवेयरनेस है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा ये अवेयरनेस भी की जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वेबसाइट पे जो है वो नशा मुक्त अभियान जैसी जानकारी भी दी जाएगी, साइबर क्राइम फ्रॉड की जानकारी जो है वो भी दी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर बनता है वो है अवेयरनेस, तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा ये अवेयरनेस भी देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा शर्मा। और वहीं पर तीन जिले ऐसे हैं जिन्हें अभी चिन्हित किया गया है और पहले फेज में इन 3 जिलों में जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी वेबसाइट बनाई गई है, और अगर ये ट्रायल पास होता है तो उसके बाद से आगे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन उसमें भी इसी तरीके से जो काम है वो किया जाएगा। बिजली के बकाया बिलों को लेकर जेकेपीडीसीएल सुरनकोट में सख्ती करने के मूड में नजर आ रही है। वहीं पर यह बताया जा रहा है कि जेकेपीडीसीएल ने फरमान जारी किया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस फरमान से सुरनकोट में हड़कंप मच गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक यहाँ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह अभी तक कितने कनेक्शंस जो हैं वो काटे गए हैं और इस ऑर्डर के आने के बाद से लोगों में किस तरीके का उनकी प्रतिक्रिया है, और जेकेपीडीसीएल द्वारा ये जो नोटिस निकाला गया है बिलों के भुगतान को लेकर तो अभी तक कार्रवाई क्या कुछ हुई है। हमारे साथ आकाश मलिक यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो आकाश, पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि अभी तक कितनी कार्यवाही के तहत जो कनेक्शंस हैं वो काटे गए हैं। जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, ये जो है सुरनकोट में जो है पीडीसी डिपार्टमेंट की तरफ डिपार्टमेंट के एडब्ल्यू से भी बात है, उनका कहना है कि 2 से ढाई करोड़ रुपया जो है इस वक्त आज की डेट में जो लाइबिलिटी पेंडिंग है, तो आज उन्हें एक ऑर्डर भी निकाला है और एक गाड़ी के जरिए जो है लोगों को भी ये पैगाम दिया है कि तमाम लोग जो है अपना जितना भी जो बकाया रकम है उसको जो है अदा कर दिए गए, अगर ये नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब ये नोटिस जारी किया गया बिजली विभाग द्वारा तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है, लोगों का क्या कहना है इसको लेकर। हाँ जी, लोगों की तरफ से कई बार ये शिकायत की जाती है कि पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जी जो है बिजली की काफी कटौती होती है, तो वहीं पे डिपार्टमेंट के एडब्ल्यू से जब बात हुई उनका कहना है कि काफी बार जो है कोशिश तो रहती है, क्योंकि बरसात का मौसम था, पिछले कई दिनों से जो है काफी बरसात सुरनकोट के डिफरेंस इलाका में हुई जिसकी वजह से काफी सारी लाइन्स भी टूट गई और उसको भी रिपेयर किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2 से ढाई करोड़ रुपया तहसील सुरनकोट में अभी लाइबिलिटी पेंडिंग है। उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले वक्त में ये लाइबिलिटी क्लियर नहीं करते हैं तो कनेक्शन भी काटे के जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक। और वहीं पर सुरनकोट में अब जो कनेक्शंस है वो काटने की बात कही जा रही है, यानी कि जो लोग बिलों का भुगतान अभी तक नहीं कर पाए हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन का पिछले कुछ समय से खाली पड़ा हुआ पद न भरे जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई सड़कों पर उतर आई है। परिषद ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर इस अहम पद की अनदेखी किए जाने पर रोष जताया। परिषद ने आरोप लगाए हैं कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जेकेपीएससी कि प्रशासन अनदेखी कर रहा है जिसका खामियाजा युवा वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। जो जेकेपीएससी में चेयरमैन की जो वैकेंसी है वो रिक्त है और नवंबर माह से लेकर फरवरी माह तक ये पोस्ट जो है वो खाली है। हम सबको ज्ञात है कि जेकेपीएससी जम्मू कश्मीर की कितनी महत्वपूर्ण बॉडी है जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है जॉब रिक्रूटमेंट्स करती है और उसके प्रोसेस को पूरा करती है, परंतु एलजी प्रशासन का इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। पहले भी हमने इस विषय को मीडिया के माध्यम से जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, परंतु अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रोसेस उन्होंने शुरू नहीं किया है कि जेके पीएससी के चेयरमैन की बहाली हो। और हमें ये भी पता चला है कि जेके पीएससी की जो कमेटी है उस पूरी कमेटी में जो है उनके पास मेंबर्स ही नहीं है उस कमेटी को चलाने के लिए, और केवल एक ही व्यक्ति अभी जो है इस पूरे कमेटी को जो है वो हैंडल कर रहा है। लेकिन जेके पीएससी जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है और वहाँ के चेयरमैन ना होना, वहीं पर लीडरशिप ना होना, ये प्रश्न चिन्ह जो है उनके ऊपर खड़ा करता है। और ये एक आज सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है, केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन। अगर जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं होती है तो पूरे प्रांत में बड़े आंदोलन होंगे और इसके जो जिम्मेवार हैं वो स्वयं एलजी मनोज सिन्हा जी हों। सरकार ने जम्मू के रघुनाथ बाजार को हेरिटेज बाजार घोषित किया था और इस बाजार को हेरिटेज बाजार के रूप में विकसित करने के लिए कई विकास कार्य करवाए गए थे और बाजार में पीने के पानी के लिए पुराने जमाने के नल लगाए गए, लेकिन सही रखरखाव ना होने के कारण आज ये नल खस्ता हालत में है, जिनमें रोजाना कई गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। और इन नालों की मरम्मत ना होने से हेरिटेज बाजार के कारोबारियों में भारी रोष है। उनके मुताबिक एक और सरकार पानी के संरक्षण के लिए लाखों रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर शहर में लगे नलों से बहने वाले पानी को रोकने के लिए कोई कदम। अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार देने में समर्थ होंगे, क्योंकि आज का जो युवा है वो स्वयं नौकरी पाने के साथ साथ, स्वयं का रोजगार करने के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। और अब वो केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब हमारे नौजवान वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि अब रोजगार देने वाले बनेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप में से भी बहुत से युवा भविष्य में अपने संस्थान खड़े करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई लघु उद्योग लगाएगा, कोई मध्यम उद्योग लगाएगा, कोई स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को इन उपक्रमों से जोड़ने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों में से भी जितने लोग आज मेरे सामने बैठे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग रोजगार देने वाले और अपनी फैक्ट्री लगाने वाले बनेंगे ना, फैक्ट्री लगाने वाले। अरे जरा जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करिए भाई। बहुत अच्छा भाइयों बहनों, आप सभी को पता है पिछले दिनों हमने यहीं देहरादून में उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसके पीछे हमारा जो मुख्य हेतु था, यहाँ निवेश लाना, यहाँ पर उद्योग स्थापित करना, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार को सृजन करना, साथ ही साथ राज्य की आर्थिकी को बढ़ाना और देश की आर्थिकी में एक बड़ा योगदान करना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य पूरे देश के लिए रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना। उस इकोनॉमी में उत्तराखंड देवभूमि का